Genesis of the matter. Genesis of the matter was a political party intransigently not holding elections. Since within it, who were the complainants? Not People's Party, not Muslim League, not a judge, their own people. Please hold elections. What is a political party? Is it a name? Is it a piece of paper? If you really want to go to true democracy, the will of the people, the will of those who hold the membership of PTI, where was that reflected? You please read the entire judgment. Those people were denied democracy. Each stage, and this did not start, that the cascading errors, the opposition came into government and you became the persecuted person. No, it started when the leader of that political party was next door as prime minister, right? So surely not he was being persecuted at that juncture. If you want to go that way, I have no problem going that way. Then we should start at the genesis of the matter and don't put everything, sir, the blame on this court. May I humbly... No, let me complete. Let me complete. इलेक्शन आपने कराना है, हमने नहीं कराना है. आपने इलेक्शन नहीं कराया, फैसला आ गया, भाई इलेक्शन करा लो, चैलेंज. इलेक्शन करा लो, चैलेंज. इलेक्शन करा लो, चैलेंज. कभी लाहौर, कभी पिशावर, कभी यहाँ. भाई किसका फ़ायदा इसको हो रहा है? इसका फ़ायदा पीटीआई के वर्कर को हो रहा है कि वो भी बेचारा कंटेस्ट कर सकता है. पाकिस्तान में एक बहुत रवाज रहा है, अच्छा बुरा मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा. आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, जो असली कमिटेड लोग हैं, जो पार्टीज में रहते हैं, वो बेचारे तो ऊपर आ ही नहीं सकते ना. वो बस शख्सियाती में हो जाती हैं तकसीम, ठीक है. तो वो अगर आप जमहूरियत की बात करें तो फिर पूरी फुल अनडाइल्यूटेड जमहूरियत की बात करें, जिसका आगाज होता है सियासी जमात से. सियासी जमात अगर मैं कल बना लूँ, मेरी नहीं होगी, वो पब्लिक की हो जाएगी. या तो मैं वन मेंबर पार्टी बना लूँ, फिर वो मेरी रहेगी. अगर मैं पब्लिक को इसमें इंट्रोड्यूस करता हूँ, फिर उनका हक है कि वो आके इलेक्शन लड़ें. नॉट पब्लिक, मेरे अपने मेम्बरान. ये मैं जनरल पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ जो मेम्बरान है पोलिटिकल पार्टी के. तो जी, अगर देखें, या तो आप नैरो रखिए इस पिटिशन का स्कोप ऐसे, मगर अगर आपने जनरली बातें करना ना, डेमोक्रेसी और सब्सटेंटिव राइट्स, फिर आखिर तक जाइए. उधर भी मुझे कोई इतराज नहीं है. आप एक अप्रोच ये नहीं कहें कि जी इस वक्त तक मैं जाऊंगा और इसके आगे नहीं जाऊंगा. फिर आगाज कीजिए शुरू से. फिर ये ना उस जमाने में इलेक्शन कमीशन और ये और वो और इस्टेब्लिशमेंट वगैरह, वो बातों में आप नहीं जाएं. वो आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि क्या हो रहा था. तो वो कौन ऑर्डर कर रहा था? उन्होंने कहा जी मुझे साल दे दें. साल दे दिया. आप पढ़ लीजिए जजमेंट. जजमेंट इज इन द फील्ड एंड इट्स इन द फील्ड. इट्स अ जजमेंट इन द फील्ड, वेदर यू लाइक इट और नॉट. आप उस पर तनकीद कीजिए, मगर आप पूरी जमहूरियत पे तो चले जाएं ना. या फिर आप कहें कि जस हर जगह आप ये बात आती है, अच्छा दूसरी बात लेके चलिए. ये पार्लियामान बराबर थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, भाई वो आईन की खिलाफवर्जी नहीं हो रही थी, डिसॉल्व, ठीक है. फिर वो तनकीद होती है कि रात को क्यों सुप्रीम कोर्ट बैठा. फिर सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. रात को क्या, रात को 2 बजे हर रात बैठे अगर वो प्रोटेक्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को. तो देखिए, जमहूरियत पर करें तो जमहूरियत की बात करें, पूरी करें. ये आदि नहीं कि जी ये बस मेरे लिए तक है, मैं इस बात में नहीं जा रहा था, मगर क्योंकि आपने इस बातों को छेड़ दिया है, फिर पूरी बात कीजिए. फिर रुकिए नहीं, इतना तो आप फेयर होते हैं हमेशा. आज आप इतना फेयर हमें बन के दिखा दीजिए. आई डिड नॉट डिस्कस दी 13 जनवरी जजमेंट. आई ओनली रेफर टू दैट एज अ फैक्ट. फैसल, इस पे रिव्यू पेंडिंग है. अगर सारी चीजें यही डिस्कस करनी है तो फिर रिव्यू भी यही डिसाइड. फैक्ट्स वाली बात कर रहा था ये विद विद ग्रेट रिस्पेक्ट. वाली बात कर रहा था. चलिए आगे बढ़िए. सबमिशंस, जो आपके सबमिशंस हैं, विद ग्रेट रिस्पेक्ट. चलिए आगे बढ़िए, प्लीज बढ़िए ना आगे. अगर सच सब बोलना शुरू कर दें तो सच बहुत कड़वा है. सच कोई बोलता ही नहीं है. नहीं, मैं तो बोलने की कोशिश हमेशा रहती है. आप हर कोई ना बोले, हम मेरा उसका जिम्मेदार नहीं हूँ. आगे चले मिस्टर फैसल. आपके सबमिशन से 2 मिनट पहले जरा एक चीज है कि एक बात पे आई एम 100% इन एग्रीमेंट विद जस्टिस मनीप के ये बेसिक जो फॉर्म था वो कल से मेरी आर्गुमेंट्स है कि वो बेसिक फॉर्म पीटीआई की तरफ से जमा किए थे. ये पीटीआई के कैंडिडेट थे. अब जब वो पीटीआई के कैंडिडेट थे तो हमारी 5 मेंबर बेंच की जजमेंट है 63A पे, जिसमें हमने डिक्लेयर किया कि हु सो एवर स्विच फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी ही इज
नॉट क्वालिफाइड क्लॉज लगेगी ना प्लीज 62(1)(f) के तहत हमने डिक्लेयर कर दिया है कि वो डिसक्वालिफाइड होगा. दिस इज जजमेंट, वी आर बाउंड बाय इट, दो आई हैव रिटन डिसेंट नोट बट आई एम बाउंड बाय इट. अब अगर वो शिफ्ट हो रहा है जज ऑफ दैट जजमेंट, आई थिंक परहैप्स दैट इज नॉट विद अ वेरी ग्रेट रिस्पेक्ट नॉट एग्जैक्टली व्हाट दैट जजमेंट सेज. But anyway, and it is applicable for political parties. So those which have presence there, and it is done after the. हम ये मान रहे हैं कि वो political party के members हैं. Since we became political. नहीं आप ऐसे साहब आगे चले ना वो bench के members में ही criticism होती रहेगी आपस में. Bench के members में से. I think 63A does not have any application, but I move on. अभी इधर फैसला जल्दी आगे चल. How long will you take? चल मैं तो जरा हम आपको पुश कर रहे हैं कि आगे बढ़े ना. जी जी चले वो एक दूसरे आप इधर उधर जा रहे हैं तो दिस विल नेवर एंड. आई होप योर लॉर्डशिप इन अनदर जजमेंट डस क्लेरिफाई योर लॉर्डशिप जजमेंट. मेरी तो ख्वाहिश ये रहेगी सर, आप दरख्वास्त ले आइए हम देख लेंगे. मेरी ख्वाहिश ये रहेगी सर, दो मिनट में एक दो चीजें दिखा दूं फिर मैं प्रोपोजिशन पर. बस प्रोपोजिशन तो आपकी दो है, उस पर आ जाए ना डायरेक्ट. सर एक चीज दिखा दूं बस. दिखाएं जो मर्जी चलें बस. दिखाते हैं तो फिर कहीं और चले जाती है बात. उधर ही सीधा शुरू करें, दो क्वेश्चंस है खत्म करें. चलें प्लीज चलें जनाब सर. आई मीन वी कांट जस्ट होल्ड द कंडीशन कैप्टिव फॉर वन नोट. फिर मैं दिखाऊं, ये बहुत अच्छी बात की. चलें कहीं और चले. मैं सिर्फ नोट करवा रहा हूँ. ये जो एडिशनल पेपर बुक है 5272, इसमें जो पेज 3-20 है, इसमें मैंने वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं जिसमें वो जो कंट्रोवर्सी थी कि 3 दिन में हमने अप्लाई किया, ज्वाइन किया, एफिडेविट्स जमा करवाए, वो मैंने लगा दिए हैं. तो ये आप देख लीजिएगा. उसका जो हमारा लेटर है एसआईसी का, उस आर्गुमेंट में भी आ जाएगा. जी, जी, जब आप कंटेंशन जी, 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 आप हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पहले कर. नाउ लेट अस कम टू दी फैसल. जी आई थिंक इट्स इजियर, मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ सबके लिए. अगर आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लें एंड देन गो ऑन टू द फैक्ट व्हेदर इट ऑल व्हाट्स अ पॉलिटिकल पार्टी. जी ये दो तो हल कर दें मसले, तो फिर हम आई थिंक वी आर डन. जी सो फॉर दैट लेट अस रीड आर्टिकल 51. ठीक पढ़े ना. आई थिंक इट्स अबाउट टाइम वी रीड दैट आर्टिकल. एंड आई विल स्टार्ट विद आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 6